हमारा नाम कलिका है. हमी ने आपको फोन करके यहाँ बुलाया. विक्रम कहाँ है? वासु भी ना पता नहीं कहां रह गया. डिस्गस्टिंग, फोन भी नहीं उठा रहा. क्या करूं? सोच क्या रही है उर्वशी? चंद्र ग्रहण अभी खत्म नहीं हुआ है. विक्रम अभी भी तिरले फार्म हाउस में इंतजार कर रहा है. चल. Is that possible? ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझसे बात की थी फोन पर कामयानी. तुमने जिससे बात की वो मैं नहीं थी. तो फिर वो औरत कौन थी जिसने मुझसे फोन पर बात की थी? उसने मुझे यहाँ बुलाया था. वो जो भी थी विक्रम, तुम्हें धोखा दे रही थी. मुझे कोई लड़की धोखा क्यों देगी? क्या तुमने अपनी जिंदगी में लड़कियों को यहाँ बुलाकर उन्हें धोखा नहीं दिया है? हो सकता है कि कोई लड़की तुम्हारी दुश्मन है और तुम्हारे अंधेपन का फायदा उठाकर तुमसे बदला लेना चाहती हूँ. Come off it. अब इस अंधे के पास बचा ही क्या है जो मुझसे कोई बदला लेगा? यही तो सही समय है विक्रम. तुम कमजोर हो. वो किसी भी कागज पर तुम्हारा सिग्नेचर लेकर तुम्हारी सारी दौलत अपने नाम कर सकती थी. तुमसे किसी भी झूठे बयान पर सिग्नेचर लेकर वो तुम्हें फंसा सकती थी विक्रम. आज अगर कलिका ना होती तो तुम उसके जाल में फंस चुके होते. और शायद ये कलिका की भी चाल हो सकती है. अगर ऐसा होता विक्रम तो वो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाती? तो अगर कलिका जी ये सब बातें जानती थी तो उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? क्या आप हमारी बात का विश्वास करते विक्रम? बस यूं समझो कि बला टल गई. एनीवेज मैं चलती हूँ. सिर्फ एक बार मुझे पता चल जाए वो औरत कौन है जिसने मुझे फोन करके यहां बुलाया, धोखा दिया मुझे. जानकर क्या कर लेंगे? तुम मुझे जानती नहीं हो. एक वक्त था किसी की मजाल जो मुझे धोखा देने की कोशिश करे. रिवॉल्वर लेके घूमता था मैं, लोगों को उंगलियों पे नचाता था. लेकिन अब मैं अंधा हो चुका हूं ना, इसलिए सब मेरा फायदा उठा रहा. मेरी आंखें वापस आने दो, फिर मैं सबको देख लूंगा. जब इंसान का अहंकार टूटता है तब अक्सर वो इस तरह अपने गुजरे वक्त के बारे में बात करके अपने अहंकार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है. ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो. ये मत समझो कि तुमने मुझे बचा लिया इस बार, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा. मुझे उस औरत का इंतजार है जिसने कामायनी बनकर मुझे यहां बुलाया, विक्रम शर्मा को धोखा देने की कोशिश की. होती होगी वो. उसे क्या देखेगा, वो तो अंधा है. मुझे आने में इतनी देर हो गई. कामयानी, मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था. कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है. हाँ, हाँ,
बहुत सब्र करना पड़ा मुझे। नहीं, इतनी बेसब्री। सब्र का इंतजाम तो अब शुरू होगा। विक्रम, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा? विक्रम छोड़ो मुझे, यू हर्टिंग मी। मैं आंख से अंधा हूँ, अकल से अंधा नहीं हूँ अब तक गायत्री। स्टॉप इट विक्रम, मैं कमायनी हूँ। लगता है किसी ने तुम्हारे कान भरे, छोड़ो मुझे। अच्छा मेरे कान भरे? हाँ मेरे कान भरे हैं, कामायनी ने मेरे कान भरे, वो मुझे मिलकर गई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। झटका खा गई ना तुम, झटका खा गई ना तुम। छोड़ो मुझे, लीव मी। लीव यू? Leave you? Okay, I'll leave you. Go! Go! याद है हमने तुम्हें आगाह किया था कि जो खेल तुम खेल रही हो उसे भूल जाओ, वरना ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी कि फिर कभी उठ नहीं पाओगे। तो ये सब तुम्हारी करतूत है? करतूत तो तुम्हारी थी, हमने तो सिर्फ पर्दा उठाया है। पर्दा? कैसा पर्दा? विक्रम जान गया है कि तुम उसे कामायनी बनकर धोखा दे रही हो। ये पति पत्नी के बीच का मामला है, इस बीच में बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। और तुम्हें है? तुम्हें मुझे धोखा देने का अधिकार है? तो विक्रम तुम ही बताओ, आखिर मैं क्या करती? क्या मैं अपनी सारी जिंदगी बाबूजी की बहू बनकर गुजारूंगी? क्या एक पत्नी होने के नाते मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं? अगर कोई पत्नी अपने पति से प्यार करती है तो क्या यह गुनाह है? तुम्हें बताओ विक्रम, आखिर मैं क्या करती? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हें कामायनी के नाम से फोन करके कोई खुशी हुई? हर एक इस पत्नी को खुशी होगी अगर उसे अपने पति के करीब आने के लिए किसी दूसरी औरत के नाम का सहारा लेना पड़े। बोलो मैं क्या करती विक्रम, आखिर तुम्हारी पत्नी हूं मैं। और न जाने मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करते। किस रिश्ते की दुआई दे रही है? हमारे बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। तुम कहती हो कि तुम बाबूजी की बहू हो और इसी में तुम्हें खुश रहना चाहिए। आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। विक्रम, बाहर जाकर देखो गायत्री, चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है। तुम विक्रम को नहीं पा सकी, अपने मकसद में तुम कामयाब नहीं हो सकी।
विक्रम के कमरे में सो रहा है? वासु, वासु, वासु उठो, उठो वासु उठो, get up, वासु सो रहे हो और वहां चंद्र ग्रहण खत्म हो गया। मेरा सर। हाँ, अब सर पकड़ के बैठे रहो। तुम तो पूजा में आकर मेरी जगह लेने वाले थे, फिर आए क्यों नहीं? क्यों नहीं आए तुम? कुछ कुछ याद नहीं आ रहा। थोड़ा सा याद आ रहा है। मुझे मुझे कुछ याद आ रहा है। जब जब मैं घर वापस आया तो मैंने मैंने विक्रम को फार्म हाउस जाते हुए देखा। पूजा में जाना चाहिए। अब मतलब कि क्लास में कुछ मिला हुआ था, कुछ मिला हुआ था। किसने किसने मिलाया? किसने? मुझे ऐसे मत देखो वासु, ये सब उस कालिका की चाल है। आज उसी की वजह से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, उसी की वजह से। ये कालिका जरूरत से ज्यादा चालाक निकली। अब क्या हुआ वासु? कहते कहते थक गई कि वासु इस लड़की के कुछ इंतजाम करो, लेकिन नहीं, तुम कहते रहे ये लड़की मेरा क्या बिगाड़ेगी। महाशक्तिशाली ने मुझे शक्तियां दी थी उनका मकसद पूरा करने के लिए, लेकिन ये मौका खोने के बाद उनका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा और धीरे धीरे मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अगर तुम पूजा में पहुंच जाते तो मेरी पोल ना खुलती। बहस करने से कोई फायदा नहीं। इससे पहले कि मेरी शक्तियां खत्म हो जाएं, तुम्हारा विक्रम के साथ मिलन बहुत जरूरी है। किसी भी हाल में तुम्हारा विक्रम के साथ मिलन होना चाहिए, होना चाहिए। बाबूजी। क्या बात है बेटी? बाबूजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो। वो बात यह है कि मैं... अरे साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? माँ, बाबूजी, मुझे मुझे एक लड़का बहुत अच्छा लगता है। वो बस पूजा, अब आगे एक भी शब्द नहीं। लेकिन क्यों बाबूजी? अगर पूजा को कोई लड़का पसंद है और वो ये बात आपसे कह रही है तो इसमें क्या बुराई है? क्योंकि इसने जिंदगी में आज तक कोई सही फैसला नहीं किया, सही लड़का चुनने की इसे समझ नहीं है। पूजा आपका खून है, इसमें आप ही के संस्कार है। हो सकता है इसका फैसला सही हो। अगर इसमें सही और गलत पहचानने की अकल होती तो ये तुम्हें कभी का पहचान लेती। बाबूजी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। बहू सही कह रही है।
पूजा अपना फैसला नहीं सुना रही, सिर्फ अपनी पसंद दिखाना चाहती है। लड़के से मिलने में तो कोई हर्ज नहीं। हाँ बाबूजी, आप घर में सबसे बड़े हैं, आप जो भी फैसला करेंगे पूजा को मंजूर होगा। लेकिन आप एक बार तो उस लड़के से मिल लीजिए। नाम क्या है उसका? जी बाबूजी, गौतम, गौतम मेहरा। उसे कहो कि मुझसे मिले। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। थैंक यू बाबूजी। उसे कल सुबह घर पे बुला लो। थैंक यू सो मच भाभी, आपने बाबूजी को मना लिया। थैंक यू सो मच। मैंने यहां पर तुम्हें शादी का रिश्ता तय करने के लिए नहीं बुलाया। जिस काम के लिए यहां पे बुलाया है उस काम को पूरा करो। विक्रम को अपने बस में करो, करो उसे अपने बस में। ये बेकार के रिश्ते जोड़कर समय को बर्बाद मत करो। खुद ने तो बना बनाया खेल बिगाड़ दिया और अब मुझ पर बरस रहा है। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं। झूठ, झूठ बोलती हो तुम। तुमने तुमने मेरे बारे में कुछ कहा? कुछ कहा? क्या हुआ वासु, तुम तो मन की बात भांप लेते हो। लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरी शक्तियां खत्म हो रही हैं। एक एक करके मेरी सारी शक्तियां मुझसे छिन रही हैं। हे हे महाशक्तिशाली, मुझे एक मौका दे, एक, सिर्फ एक मौका, मेरी मेरी मदद। अगर वासु शक्तिहीन हो गया तो इसका मुझ पर कोई जोर नहीं चलेगा। उसके बाद मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूं। तुमने फिर कुछ कहा। तुम्हें धोखा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। गौतम, ये मेरी बड़ी बहन है कविता। हेलो। हाय। और ये इनका बेटा अक्षय। हाय अक्षय। हाय। और ये कौन है? नमस्ते, मैं हूँ सोनिका। हाय, तुम्हारी बहन है? बहन जैसा ही समझो, मेरे दोस्त की बेटी है सोनिका। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते आंटी। जीते रहो बेटा। अरे तुम खड़े क्यों, बैठो ना। हाँ गौतम, इधर आ जाओ। घर में कौन कौन है? जी अकेला हूं। एक प्लेन क्रैश में मां और बाबूजी का देहांत हो गया था। तुम्हारा घर कहां है? पाली हिल, बैंड्रा। ये मेरा कार्ड है। क्या काम करते हो? जी फैशन फोटोग्राफर। कितना कमा लेते हो? उतना तो कमा ही लेता हूं जिसमें पूजा को खुश रख सकूं, वो भी बिना किसी के सामने हाथ फैलाए। ये सब कहने की बातें हैं। कुछ दिनों के बाद तुम भी मेरे घर पर चले आओगे मदद मांगते हुए। अगर आ गया तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे? दामाद होने के नाते तुम्हें मदद मांगते हुए शर्म नहीं आएगी? माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन क्या आपके घर में बहू और दामाद को बेटी और बेटा समझकर प्यार नहीं करते? हमारे दिल में इतना प्यार है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो फिर आपने मेरे बारे में यह अंदाजा कैसे लगा लिया कि मैं आपके सामने हाथ फैलाऊंगा?
मैंने आज तक किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाए। अभिमानी हो? नहीं, स्वाभिमानी। बहस अच्छी कर लेते हो, लेकिन बड़ों की इज्जत भी करता हूं। कविता। जी पापा। इन्हें चाय वाय पिलाओ। आपको लड़का कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्यों जी, आपको कैसा लगा? क्या आप फोटोग्राफर हैं? हाँ, क्यों? क्या आप मुझे मेरा वीडियो कैमरा चलाना सिखाओगे? सिखा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझसे दोस्ती करनी होगी। बाबूजी, ये हमारी पूजा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। वेरी गुड। तो अब जब दोस्ती हो गई है ना, तो देखना, मैं तुम्हें इतना अच्छा सिखाऊंगा कि जब तुम अपनी वीडियो कैमरा से शूटिंग करोगे ना, तो लोग देख के दंग रह जाएंगे। यस। देखा माँ जी, एक सेकंड में इसने अक्षय का दिल जीत लिया, वरना हमारा अक्षय इतनी जल्दी तो किसी से हाथ नहीं मिलाता। हाँ। बाबूजी, मुझे लगता है हमारी पूजा को बहुत खुश रखेगा। हमें बहू की बात पर गौर करना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है रेवती, तो मैं बहू की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन हमें गुरुजी से भी सलाह लेनी होगी। पूजा के आज प्रसाद नहीं बांटा? आप किसी सोच में डूबी हो। अर्जुन, गुरुजी ने कहा कि इस घर में दुष्शक्तियों का निवास है और वो गायत्री का साथ दे रही है। परंतु गायत्री भाभी तो देवी भक्त है। नहीं अर्जुन, गायत्री देवी भक्त नहीं है। उसका सारा प्यार, ममता, देवी भक्ति सब फरेब है। दीदी, अरे ये क्या, आप दोनों यहाँ हैं? नीचे पूजा को देखने लड़का आया है। लॉजिक कहता है कि पूजा दीदी को देखने लड़का क्यों आएगा? अर्जुन, कभी तो अक्कल की बात मत क्या कर। जब देखो हर एक चीज में लॉजिक ढूंढता रहता है। पूजा शादी करना चाहती है। ओ, ऐसे वाला देखना। लड़का कैसा है? अब मैं क्या बताऊं, आप खुद चल के देख लो ना, वो जाने वाला है। चलो चलो। अगर मेरी कही हुई बातें आपको बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं। चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। आपकी तारीफ? हम कलिका हैं। अच्छा, आप कलिका हैं? सुना है कि आप बहुत ही बड़ी देवी भक्त हैं। आप भी देवी में विश्वास रखते हैं?
आपकी तरह भक्त नहीं हूं, लेकिन विश्वास जरूर करता हूं। मेरा यही मानना है कि यह पूरी सृष्टि एक ही शक्ति चला रही है, वही जगत जननी है, वही सबकी मां है। और मैं तो बिना पूजा किए अपने घर के बाहर कदम भी नहीं रखता हूं। कमाल है ना बाबूजी, गौतम को देख के ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी तरह पूजा पाठ में विश्वास करता होगा। गायत्री भाभी, पूजा में इनका विश्वास है मगर पाठ का पता नहीं। चुप, ऐसा नहीं कहते। हम अभी अभी पूजा करके आ रहे हैं, तो आप प्रसाद लेकर जाइए, आप रुकिए, हम अभी लेकर आते हैं। ठीक है। आपकी तारीफ? इसकी एक ही तारीफ है कि ये मेरा भाई है, अर्जुन। बहनें ऐसे ही होती हैं, हर जगह अपनी तारीफ सुनना चाहती हैं। बहुत हाजिर जवाब हो, मुझसे दोस्ती करोगे? अगर हाजिर जवाब ना होता तो। चलता हूं। ये हमने क्या देखा, क्या मतलब है इसका? धीरे, सबका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। नहीं अर्जुन, हमारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। हमें कई बार ऐसा लगा है जैसे हमें कोई इशारा कर रहा है, कोई हमारी मदद कर रहा है। दीदी, अगर ऐसा है तो तब क्या हुआ था जब आप मुझे ढूंढते हुए जंगल चली गई थी और वो झोपड़ा होटल में बदल गया था, उस वक्त आपको मदद नहीं मिली दीदी, जबकि आपको सच में उसकी जरूरत थी। हम नहीं जानते अर्जुन, लेकिन गौतम के बारे में कोई बात जरूर है, हमें पता लगाना ही होगा। पिछले हादसे को देखते हुए लॉजिक ये कहता है कि ये भी कोई चाल है। आप गौतम को बुरा साबित करने के लिए जाएंगी और वो एक नेक इंसान निकलेंगे और फिर आप पे इल्जाम लग जाएगा कि आपने एक अच्छी खासी शादी को तोड़ने की कोशिश की। हम सबसे ये कह देंगे कि हमने आरती की जोत में गौतम के हाथ खून से रंगे देखे। दीदी, कौन मानेगा आपकी ये बात? लेकिन अर्जुन, कोई ये भी क्यों मानेगा कि हम इस शादी को तोड़ना चाहते हैं? इससे हमें क्या फायदा? बदला गायत्री भाभी से। दीदी, ये रिश्ता गायत्री भाभी के कहने से हो रहा है और सब जानते हैं कि आप दोनों की नहीं बनती। कोई चाहे कुछ भी कहे, हम इस डर से खामोश खड़े पूजा की जिंदगी और बाबूजी की इज्जत को मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकते। हम ऐसा नहीं होने देंगे, कह रहे हैं हम।
कैलाश नाथ जी, होता वही है जो देवी माँ ने रचा है, हम तो केवल साधन हैं। आपकी बात सही है गुरुजी, लेकिन हम क्या करें, आखिर हम बेटी के माता पिता हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। बाकी जैसे आपने कहा, होगा वही जो देवी माँ की मर्जी। गुरुजी, हम ये चाहते हैं कि आप पूजा और गौतमी की कुंडली को मिलाएं और ये बताएं कि क्या इन दोनों को विवाह बंधन में बंधना चाहिए या नहीं। आपके पास गौतम की कुंडली है? है तो नहीं, लेकिन मंगवा लेते हैं। पूजा बेटी, गौतम से बात करवाओ। जी बाबूजी। गुरुजी, पूजा की जन्मपत्री तो आपने देखी हुई है, आपको याद भी होगी। हाँ याद तो है। क्या उसमें पूजा की शादी का योग है? रेवती जी, पूजा मिथुन राशि की है और इस समय विवाह का योग है। हेलो, एक मिनट। फोन लगा? जी बाबूजी। हेलो, मैं कैलाश नाथ बोल रहा हूँ। नमस्ते बाबूजी, कहिए। तुम्हारी जन्मपत्री चाहिए, पूजा की जन्मपत्री से मिलानी है। जन्मपत्री तो है, लेकिन ढूंढनी पड़ेगी। शाम तक ढूंढ कर रखना, मैं बच्चों को भेजूंगा जन्मपत्री लेने के लिए। गौतम बेटा, जब लड़की के पापा ससुर की तरह बात करने लगे ना, तो समझो कि बात बन गई। बहू को बुलाओ। जी बाबूजी। मैं चाहता हूं कि बहू बच्चों के साथ जाए, कम से कम देखे गौतम कहां रहता है, उसका रहन सहन कैसा है, हालात कैसे हैं। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, बच्चों के साथ शाम को गौतम के घर जाकर उसकी जन्मपत्री ले आना। बाबूजी, मैं भी जाऊँ? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। क्यों पूजा दीदी, ससुराल जाने की बहुत जल्दी पड़ी है। भाभी, बाबूजी, हम भी गौतम के घर चलेंगे। तुम भी जाओगी? रेती जी, कलिका को भी जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन ख्याल रहे कि वहां कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमें गौतम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। जी, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। दीदी, प्लीज, जो भी करना सोच समझ के करना, वादा करो। हम वादा करते हैं, लेकिन अगर हमें गौतम के खिलाफ जरा भी शक का आभास हुआ ना, तो हम माँ जी और बाबूजी को बताने में बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। हम उनकी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते, कह रहे हैं। दीदी, दीदी, आपको कौन समझाएगा? हे देवी माँ, मेरी दीदी की रक्षा करना। हाय, वेलकम एवरीबॉडी, आइए। कैसे हो दोस्त, क्या हाल है? इस वक्त हम आपके दोस्त नहीं, जासूस हैं, कुछ जानने आए हैं। क्या जानने आए हो? वो क्या, उसे कैसे? हाँ, सोनिका दीदी, वो हा? नाना जी ने क्या कहा था? अक्षय, रहन सहन,
रहन सहन, करेक्ट। आपका रहन सहन। माफ कीजिएगा, बच्चा है। वैसे शादी का मामला है, इसलिए आपने बुरा तो नहीं माना? अरे बिल्कुल नहीं। डिटेक्टिव अक्षय, पूरा घर खुला है, जहाँ से शुरू करना चाहो शुरू कर लो। कलिका दीदी, कहाँ से शुरू करो? आइए मैं आप लोगों को अपना घर दिखाता हूँ। कम प्लीज कम, ये मेरा हॉल है। ये मेरा बेडरूम है। ये मेरा मंदिर है। छोटा सा स्टूडियो है जहां मैं अपने पोर्टफोलियोस करता हूं। इसे सोते जाते बस फिल्म शूटिंग और स्टूडियो ही देखते हैं, यही इसकी लाइफ है। चलो हम लोग टेरेस पे जाके चाय में पीते हैं। ओके फॉलो मी, कम। की ऐसी तस्वीर ऐसे कपड़ों में, वो भी गौतम के घर, कैसे है?